जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दूं कि सावन का पहला प्रदोष व्रत शनिवार को रखा जाएगा, और क्यों रखा जाएगा वो भी बताया जाएगा। इसका क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, शनि प्रदोष का क्या लाभ होता है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सावन मास में सोमवार का पूजन तो कल्याणकारी है ही, इसके अलावा प्रदोष मास शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। सावन मास में भगवान शिव के पूजन से वातावरण भक्तिमय हो गया है। यह मास शिव और उनके साथ उनके परिवार को समर्पित है। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष एवं मासिक शिवरात्रि का योग एक दिन पड़ रहा है। इस योग का मतलब दोनों तिथि का एक साथ मिलना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा। कब रखा जाएगा सावन मास का पहला प्रदोष व्रत? 14 और 15 जुलाई को। सावन मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई को शाम 7:08 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 15 जुलाई को रात 8:33 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल 15 जुलाई 2023 शनिवार को मान्य होने के कारण सावन का प्रथम प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाएगा। 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को मासिक शिवरात्रि और शनि प्रदोष का यह योग बन रहा है। क्या है शनि प्रदोष का पूजा मुहूर्त? शनि कृष्ण प्रदोष 15 जुलाई 2023 संध्या 6:43 से 8:32 तक रहेगा, यानी कि कुल पूजा अवधि 1:49 की रहेगी। सावन शनि प्रदोष व्रत 2023 की पूजा विधि। सावन प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा करें। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा के समय दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बिलपत्र, पुष्प और नैवेद्य शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति के पास दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करके पूजा समाप्त करें। प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है? अलग अलग दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग महत्व होता है। माना जाता है कि यह व्रत जिस दिन को पड़ता है उसके अनुसार इसका नाम और महत्व बढ़ जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष काल कब माना जाता है, यानी कि दिन के कौन से समय को प्रदोष काल कहते हैं? संध्या काल में, यानी सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि आने से पहले का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 पूर्व से सूर्यास्त के 45 बाद तक माना जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि प्रत्येक महीने में 2 पड़ती है, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तिथि के दिन संध्या काल यानी प्रदोष काल में भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान का यदि आपके पास अभाव है तो विशेष लाभकारी होगा यह प्रदोष व्रत। सावन मास में प्रदोष व्रत करना बहुत ही मंगलकारी होता है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष के साथ मास शिवरात्रि पड़ता है तो उस दिन पूजन करने से संतान को लाभ मिलता है। सावन मास साल का 5वां महीना होता है, जो कुंडली के 5वें ग्रह प्रेम, संतान, पूर्व पुण्य और इष्ट देवता का होता है। इसलिए इस दिन पूजन करने से सभी फल प्राप्त होते हैं। वैसे लोग जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया चल रही है, उन्हें इस दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के 7.5 तथा ढैया का प्रभाव कम हो जाता है।
शनि की साढ़े साती यह ढैया चल रही है तो इस दिन करें पूजा। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करें तो शनि की साढ़े साती और ढैया से राहत मिलेगी और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याएं अगर इस व्रत के साथ भगवान शिव का पूजन करें तो उन्हें मनवांछित फल मिलता है और उनका विवाह उच्च कुल में होता है। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।